तो हमारे एपिसोड के स्टार्टिंग में ही जो रॉय होता है वो नींद से उठता है और वो जैसे अपने रूम से बाहर जाता है, वहीं उसके रूम के बाहर जो फ्रेड और मर्डक होते हैं वो चुपचाप आराम से जो डोनट्स हैं उनको चुरा रहे होते हैं, जहाँ पे जो रॉय है वो उनको पकड़ने ही वाला होता है कि जो फ्रेड है वो किसी तरीके से रॉय से बच के उसको दोबारा सुला देता है और उसके बाद वो वहाँ से अपना डोनट खाने निकल जाते हैं। जिसके बाद उसी के नेक्स्ट मॉर्निंग जो हमारे हीरोज हैं वो अपने ब्रेकफास्ट करते हैं और वैसे ही वो अपनी वहाँ पे चिट चैट उनकी चली रही होती है और वो अपने नेक्स्ट खाने के बारे में सोच रहे होते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो लीको है वो अपने फ्रेंड से वीडियो कॉल पे बात करती है और उसी के बाद उसके जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं और वहीं दूसरे जो रॉय है वो वहीं शिप पे बैठा हुआ होता है फुइकोको के साथ कि तभी वहाँ पे जो फ्रेड है वो आ जाता है और उसी के बाद जो रॉय और जो फ्रेड है उनके बीच अपनी बातें चल रही होती है कि जो हमारे हीरोज हैं वो पहुंच जाते हैं अगली सिटी में। जिसके बाद जो हमारे हीरोज हैं उनमें से एक को डिसाइड करना होता है कि कौन वहाँ शिप पे रुकेगा, तो वो इसके लिए रॉक पेपर सीजर का गेम करते हैं जिसमें जो रॉय बेचारा है वो हार जाता है और उसको शिप की देखभाल के लिए वहाँ रुकना पड़ता है। बट वो लीको को किस तरह से मना लेता है कि उसको जो वो सिटी एक्सप्लोर करने जाना है ताकि वो अपने रायकॉज के बारे में और जान सके, तो इस पे जो लीको है वो भी उसकी बात मान जाती है और जो रॉय है वो चले जाता है उस सिटी को एक्सप्लोर करने, जहाँ दूसरी तरफ जो लीको है वो पूरी शिप का ख्याल रख रही होती है और जो बाकी के उसके काम होते हैं वो करती है शिप को साफ सुथरा रखने के लिए और पोकेमॉन्स को खाना देना। तभी जो लीको है उसको सामने एक ड्रॉवर दिखता है जिसके बाद उसको रॉय की बात याद आती है, तो जैसे जो लीको है वो उस ड्रॉवर को खोलती है उसके अंदर एक एल्केमी होती है जो लीको पे अटैक कर देती है और उसी के बाद जो लीको है वो फिर लुडलो के साथ मिलकर जो लंच है वो बना दी होती है और उसी के बाद जो वो लंच है वो लेके जाती है डॉट के पास, जिसमें पहले तो डॉट जो है वो कोई जवाब नहीं देता बट बाद में जो लिखो है वो किसी तरीके से डॉट के साथ बात करती है और बाद में हमें डॉट की रियल आइडेंटिटी भी देखने को मिलती है। वहीं दूसरी तरफ आइलैंड में जो रॉय और फ्रेड होते हैं वो फिर से अपनी एक्सप्लोरेशन जारी रखते हैं और वहाँ एक सेलर से बातचीत कर रहे होते हैं उसके बारे में। वहीं दूसरी तरफ जो लीको है वो फिर से डॉट का जो शो है वो देख रही होती है, जहाँ पे जो लीको है वो उसको जो डॉट की आवाज है वो अपने आसपास आने लग जाती है तो वो फिर से उस पर थोड़ा घबरा जाती है, जहाँ जो डॉट है वो भी इस पर थोड़ा घबरा जाता है बट वो इस चीज को काफी अच्छे से हैंडल कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ जो रॉय और फ्रेड होते हैं उनकी एक्सप्लोरेशन जारी रहती है उस आइलैंड की, जहाँ जो रॉय का एनकाउंटर है वो एक वाइल्ड स्पैरो से हो जाता है जिसपे जो फ्रेड है वो उसको उससे बैटल करने के लिए कहता है, तो जो रॉय है वो उससे बैटल करता है बट जो स्पैरो है वो उन पर अटैक करना बिल्कुल नहीं रोकता। बट एट द एंड जो फ्रेड की गाइडेंस से जो रॉय है वो अपने फुइकोको को एम्बर का अटैक करने के लिए कहता है जिससे कि वो उस वाइल्ड स्पैरो को हरा देते हैं और उसी के बाद जो फ्रेड और रॉय हैं वो चले जाते हैं अपने शिप की तरफ। जिसके बाद जो रॉय है वो शिप पे आके सबसे पहले जो डॉट है उसको थैंक यू बोलता है और उसी के बाद जो डॉट रिको और रॉय हैं उनके बीच में ऐसे ही थोड़ी बहुत बातें होने लग जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में रात हो जाती है और हमें देखने को मिलता है कि जो डॉट है वो अपने रूम से बाहर आता है और उसी के बाद जो फ्रेड और मर्डोक हैं वो भी फिर से जो उन्होंने पिछली रात किया अपना डोनट्स वाला स्कैम वो फिर से करते हैं, बट वो देखते हैं कि जो डोनट्स हैं इस बार तो है ही नहीं, तो वो बिल्कुल समझ जाते हैं कि इस बार जो डोनट्स हैं वो डॉट ही लेके गया, तो इस पर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो डॉट है वो उन डोनट्स का मजा ले रहा होता है और जो फ्रेड और कैप्टन पिकाचू होते हैं वो अपने कैबिन में सो रखे होते हैं। जिसके बाद सुबह हो जाती है और हमारे जो कैप्टन पिकाचू और फ्रेड है उनको एक नया आइलैंड दिखता है, तो वो उसकी तरफ चल पड़ते हैं और जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है।